कोरापुत साइबर पुलिस स्टेशन में केस नंबर 2023 में जो केस था उसमें कंप्लेंट आया था कि हिताची कंपनी का एटीएम इंस्टॉलमेंट के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज आया है। उस एडवर्टाइज में जब हमारे कंप्लेनेंट ने संपर्क करने की कोशिश की तब उनको एक आईडी कार्ड दिया गया कि आप इस कंपनी में काम करेंगे और उनको एक टास्क दिया गया कि आपके एरिया में आप ऐसे लोग और ऐसे लोकेशंस ढूंढिए कि जहाँ पे हम हिताची कंपनी के एटीएम इंस्टॉल कर पाएंगे, जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लोगों का जिनको हम विक्टिम बोलेंगे विक्टिम का जानकारी इनको दे दिया। और उसके बाद इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के फॉर्जरी करके एक लेटर दिया जिसमें बोले कि आपको सर्टन अमाउंट पे करना पड़ेगा अराउंड 15,000 तभी आपको आप ऑथोराइज हो सकेंगे आपके यहाँ पे एटीएम इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ये पहले से ही एक फ्रॉड है तो कभी भी एटीएम इंस्टॉलेशन हुआ नहीं और इस कारण ये जो भी पैसा इन्होंने लिया तो ये सब इन्होंने मतलब विक्टिम्स को डिफ्रॉड कर दिया। और इनको क्योंकि इनका नंबर एडवर्टाइज में भी आया था और कंप्लेनेंट से भी मिला था, ये हमारे रडार पर थे, हमने इनको सर्वेलेंस में लिया था और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी हैव एप्रीहेंडेड हिम। और इनके पास से हमें इनके 3 मोबाइल जो फ्रॉड में शामिल है ऐसे 3 मोबाइल मिले हैं और 2 लाख रुपये कैश हमने बरामद किया है। और इसके साथ साथ हमें एक नोट भी मिला है जिसपे बहुत सारे विक्टिम्स के नाम और नंबर और कुछ डिटेल्स है, तो इस सब पे हमने इनको अरेस्ट किया है। और ये न्यूज़पेपर में एक फ्रॉड ऐड देके जो एटीएम इंस्टॉलेशन का स्कैम है इस रिलेटेड ये आज प्रेस मीटिंग बुलाई गई थी।